बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। हाटा नगर पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। नामांकन के बाद जनसंपर्क में जुटे प्रत्याशी। कैमूर जिले के हाटा में नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, वही चुनाव को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। इसी क्रम में नगर पंचायत हाटा के प्रत्याशी सीताराम सिंह ने बताया कि गांव का विकास, गरीबों को पेंशन, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाना और उनके सुख दुख में शामिल रहना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि आज तक हमारे गांव का विकास नहीं हुआ है, विकास के मामले में गांव काफी पिछड़ा हुआ है, सर्वप्रथम गांव का विकास किया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि नगर पंचायत की जनता यदि मौका देती है तो नगर पंचायत का सर्वांगीण विकास एवं सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को प्रत्येक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। वही ग्रामीण जनता ने बताया कि सीताराम सिंह गरीबों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं, समाज की सेवा के लिए हर समय आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम लोगों की इस बार यही इच्छा है, इन्हें नगर पंचायत का चेयरमैन बनाया जाए जिससे नगर पंचायत का चौमुखी विकास हो सके। रहे हैं कि हाटा पंचायत का जितने गांव इस एरिया में आ रहा है उसका हम विकास करें। हमारा मेन मुद्दा है विकास। विकास में जैसे गरीबों का आवास बनवाना, मकान बनवाना, खाने के लिए पीने के लिए रोजी रोटी पानी का व्यवस्था नहीं है उसको जरूरी मुहैया कराना, जितने भी इसके पहले पंचायत चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं आज तक कोई हमारे गांव में हमारे पंचायत में पहल नहीं किया है, न कोई विकास का काम किया है। हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इस पंचायत का चेयरमैन बन करके इस पंचायत का गरीबों का विकास करें। हमारा अपील यही है कि एक एक जन जन लोग मिल करके हमारे चुनाव को जिताएं और हम इस पंचायत का प्रत्याशी बन करके, चेयरमैन बन करके हम अपने पंचायत का पूरा विकास करें। मतदाताओं से हमारा यही अपील है कि हम जमीन से लेकर के पूरा इस गांव का, इस समाज का, चाहे जिस कौम के लोग हैं, सारे लोगों का हम विकास करेंगे। हर लोगों को घर, मकान, भोजन, रोजी रोटी का व्यवस्था बनाएंगे। हमारा यही उद्देश्य है। हम युवाओं से यही अपील कर रहे हैं कि हम युवाओं से या मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि हमारे साथ लोग आएं और हाथ में हाथ मिला करके, कंधे पे हाथ रख करके हमारे साथ चलें और हम इन लोगों के हाथों को मजबूत करेंगे और इनको लेकर साथ चलेंगे। सीताराम सिंह, नगर पंचायत हाटा के चेयरमैन प्रत्याशी श्री सीताराम सिंह, ग्राम औखरा के रहने वाले हैं, जो कि हम युवाओं का जी जान से विकास करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत हाटा में जो चुनाव हो रहा है नगर पंचायत का, उसमें सब प्रत्याशियों से अच्छा हमको श्री सीताराम जी कुशवाहा जो औखरा के खड़ा हैं वही अच्छा है। नौजवान हैं, इनका जो है समाज में हमेशा रहन सहन रहता है। गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा जहां तक उम्मीद है कि हम लोग इनको सर्वसम्मति से सीताराम जी को जिताएंगे। हम सीताराम जी को इसलिए इस चुनाव में जिताने का मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जहां पीपल का वृक्ष है, बुद्ध भगवान का स्थान है, वहां ये चौतरा बनवाए हैं और हर जगह मतलब बहुत जगह समाज का काम किए हैं। इसलिए हम इनको सोचते हैं कि नौजवान प्रत्याशी हैं, हमेशा गरीबों के साथ में रहते हैं और यही मतलब अच्छा, सबसे प्रत्याशी अच्छा है। क्या नाम है आपका? हमारा राजा रामपाल, ग्राम औखल। हम लोग का यही उम्मीद और अपना विश्वास पूर्ण रखते हैं कि सर्वसम्मति से सीताराम जी को अपना जो है, हम लोग अपना जो है मत दान दे करके इनको विजयी बनावे और विजयी बनाकर अपना जो है
हम सब गरीबों का ये मसीहा बन करके जो है पहले ही से रखवाली कर रहे हैं। रखवाली करते करते आज भी वो नौबत आ गई, सर पर कपार पर आ गई। हम लोग हाटा पंचायत में मुखिया हुए, हम लोग का कुछ नहीं किए। अब इनको जो है हम लोग को अपने ही दिल दिमाग से अपना जो है इनको हम सर्वसम्मति से चुन करके और विजयी बनाना चाहते। बहुत से ऐसे लोग आए हम लोग को बीच में, लेकिन उन सबों पर हम लोग का जो है यकीन नहीं हुआ, जो कि ये पहले से ही लगे हुए हैं। आज से नहीं, इनकी उम्र थी अभी नहीं, तब तक से लगे हुए हैं बचपन से। सबकी जो अमीरी गरीबी सबको जो है देख रहे हैं कि उनको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सब बच्चे से और बूढ़े से सबसे मिलते जुलते ये चले आ रहे हैं, इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से इनको चाहते हैं कि बहुत बढ़िया से हम लोग का ये जो विकास कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। क्या अपील है? हम लोग से यही अपील है कि हम लोग जिसको भी चुने वो युवा हो और समाज के लिए अपने घर घर ध्यान रखते हैं, इसलिए हम लोग इनको सीताराम भैया को हम चेयरमैन के लिए हम लोग चुन रहे हैं। इसलिए कि हम लोग को अब इससे पहले बहुत कुछ का विकास कर चुके हैं, हम लोग के बारे में सोचते हैं, दिन रात भी आते हैं, तब लोग से मिलते हैं, बुढ़े हो या जवान हो हर किसी से मिलते हैं, हर एक चीज़ के बारे में कहते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बोलते हैं कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, मतलब कि विकास के बारे में हर घड़ी सोचते हैं। हम लोग समाज में एनी टाइम रहते हैं। आपको भी क्या लग रहा है कि अगर सीताराम जी चुनाव जीत जाते हैं तो आप सभी युवाओं का ख्याल रखेंगे? जी, हम लोग का 100% हम लोग सोचते हैं, हम लोग उम्मीद है कि जीत जाएंगे तो ये विकास के लिए तत्पर रहेंगे। हम लोग एकदम 100% इसका उम्मीद है। क्या नाम? मेरा नाम अभिराम पाल। अपना प्रत्याशी सीताराम सिंह को चुनना चाहते हैं। हमारे सीताराम सिंह हमारे गांव का पहले ही से विकास किए हैं, आज भी हम लोग को भरोसा है कि हमारे सीताराम भाई हमारे गांव का विकास करेंगे। हमारे सब जनता भाइयों के जागृति से हम लोग उनको खड़ा किए हैं और हम लोग के गांव का विकास करेंगे। हम लोग का भरोसा है, विश्वास है, सीताराम हमारा काम किया है, हम लोग के साथ में है, हम लोग के दुख सुख में शामिल है, हम सीताराम को भरोसा किए हैं। शांति देवी। सीताराम सिंह कुछ नहीं है, वो पहले किए हैं और करेंगे और करते रहेंगे। बहुत से काम किए हैं, यहाँ बुद्ध जी का चौतरा बना दिए, उधर वो बनवा दिए और नली वली सब बनवा दिए। कुछ होने के तो और विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है निजामुद्दीन सलमान।